खुशी है कि चुनावी माहौल में दिल्ली चंडीगढ़ में नहीं बल्कि फील्ड के अंदर जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का जनसेवा पत्र हम घोषित कर रहे हैं। पिछली बार के जनसेवा पत्र की अगर मैं बात करूं तो कई कदम हमने उठाए जिसने प्रदेश को नई राह दी, जैसे पंचायती राज संस्थाओं में महिला को 50% हिस्सेदारी हो और BCA वर्ग को 8% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का कानून बनाने का काम किया। वहीं महिला को स्वरोजगार के अवसर मिले उसके लिए 33% महिलाओं की हिस्सेदारी हमने सुनिश्चित करने का काम किया। जो वादा हमारा सबसे बड़ा था, रोजगार मेरा अधिकार, उसको कानूनी स्वरूप देकर प्रदेश में हमने लागू किया। 75% आरक्षण, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटीज हो, प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म्स हो, कोई कॉरपोरेशन हो, सबके अंदर लागू किया। और हमारा दृढ़ संकल्प भी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इसकी नवंबर में सुनवाई है उसके अंदर पूरी पैरवी करकर इसको इम्प्लीमेंट भी प्रदेश में हम करेंगे। पिछले 5 वर्षों में जहाँ हरियाणा में निवेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जा रहा था, हम कामयाब रहे, 40,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में ला पाए। और 40,000 करोड़ के अंदर सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट, मदर यूनिट मारुति का 10 लाख गाड़ी प्रतिवर्ष बनाने वाला 900 एकड़ में खरखोदा में हम ला पाए। वही जो एक समस्या थी कि छात्रों को परीक्षाएं देने दूसरे जिलों 200-200 किलोमीटर दूर जाना था, उसको गृह जिले के अंदर 50 किलोमीटर के रेडियस में हमने करवाने का काम किया। SC कर्मचारियों को 20% प्रमोशन में हिस्सेदारी दिलवाने का काम किया। और एक चीज़ मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ, कल देश के प्रधानमंत्री हिसार उतरे और हिसार के अंदर उतरते उन्होंने भाषण में कहा कि इस हवाई अड्डे पर मेरा बड़ा जहाज उतरा। 3 साल मात्र के अंदर हमने रनवे भी कंप्लीट किया और जेवर से पहले जो केंद्र सरकार का एयरपोर्ट था हिसार एयरपोर्ट का रनवे कंप्लीट करवाया और हिसार एयरपोर्ट की शुरुआत भी हम करवाएंगे। वही प्रदेश के अंदर आम नागरिक को अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। प्रदेश के तहसील, सब डिवीज़न, DC और कमिश्नरेट तक का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटल करवाया। प्रदेश के अंदर 17 नए राज्यमार्ग और 7 राष्ट्रीय राज्यमार्ग हमने पूरे करवाए और इसके अंदर 2 घोषणाएं एडिशनल करवाई, जिसमें हिसार से रेवाड़ी KMP तक की कनेक्टिविटी और चौटाला डवाड़ी से लेकर पानीपत और आगे मेरठ की कनेक्टिविटी भी घोषित हुई। प्रदेश के अंदर लगभग 29,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क हमने अप्रूव किया, कारपेट किया, स्ट्रेंथन किया, वाइडन किया, जिसके अंदर 20,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका और 9,000 किलोमीटर का कार्य अभी भी कार्यरत है। हरियाणा पहला प्रदेश बना जिसमें 14 फसलें MSP पर खरीदी गई और आने वाले समय में भी भविष्य के अंदर इसी प्रकार से किसान को हम ताकत देते रहेंगे। महेंद्रगढ़ के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की निर्माण की शुरुआत हुई। गुड़गांव में हेली हब के लिए 30 एकड़ जमीन निर्धारित की गई। बाछौद महेंद्रगढ़ पहला हवाई पट्टी बनी जिसके अंदर स्काई डाइविंग हिंदुस्तान में शुरू भी हुई और 4 साल से पूरी तौर पर चल रही है। उसके साथ अम्बाड़ा एयरफोर्स स्टेशन को भी टर्मिनल का निर्माण कंप्लीट हो चुका है और जल्द हम उड़ान के माध्यम से वहाँ पर हवाई यात्राएं देखेंगे। मेवात जैसे पिछड़े इलाके में दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो आपके मोबाइल फोन्स की, आपके छोटे छोटे डिवाइसेस की बैटरी जो बनाती है, 57% दुनिया का बैटरी स्टेक उनके पास है। उनकी 180 एकड़ के अंदर ATL की बैटरी की फैक्ट्री रोजका मेव गांव मेवात में नू के साथ लगता है, वहाँ बनाने का काम किया।
पहला प्रदेश बना हरियाणा, जिसके अंदर मुझे खुशी है जिस किसान को दो दो महीने तक उसकी फसल का भाव और पेमेंट नहीं मिलती थी, 48 घंटे में खाते में पेमेंट पहुंचाने का कानून भी बनाया। और मुझे खुशी है कि हमने 4 साल सक्सेसफुली हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक किसान के खाते में पैसा पूरा पहुंचाने का काम किया। वही एक सपना हम लेकर चले थे डिजिटल लाइब्रेरी का, और 1200 से ऊपर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी हम बनाने में कामयाब रहे। और मुझे खुशी एक बात की है, चंद्रशेखर जी और मैं नरवाना में गए, एक SC चौपाल जो चौधरी देवीलाल जी ने किसी समय निर्माण किया था, वहाँ डिजिटल लाइब्रेरी बनी। और उस डिजिटल लाइब्रेरी से 18 बच्चे अब तक सरकारी नौकरी में लग चुके हैं। उसके साथ हमने आर्थिक रूप से पिछड़ी नौकरियों में दाखिलों में 10% रिजर्वेशन लागू करवाया। हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बने, उसमें जींद और महेंद्रगढ़ के कोरियावास में निर्माण कंप्लीट के पास है, और बचे हुए के अंदर घोषणा कराने में हम कामयाब रहे। और एक बड़ा कदम, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा है, कोई सोचता नहीं था कि हरियाणा के अंदर हिंदी की इतनी अहमियत है। लोअर कोर्ट्स में हिंदी का इस्तेमाल होता था, पर हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब का जो है वो अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देता था, और उस प्राथमिकता को देखते हुए बहुत नागरिकों को दिक्कत आती थी। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर पहले ही वर्ष हिंदी भाषा का वर्णन पैरेलल रहे, उसका हम लाने में कामयाब हो। अब जो हमारा सपना है दोनों संगठनों का, कि हरियाणा उज्ज्वल बने, हरियाणा प्रगति के पथ पर चले, और हरियाणा को हम आगे कैसे लेकर चले, इस बार के जन सेवा पत्र के अंदर कई हम ऐसे कदम उठाएंगे जिसके अंदर हर वर्ग को कैसे आगे लेकर चले, उस पे दोनों संगठनों ने चर्चा गंभीरता के साथ करी, और उस चर्चा के साथ प्रदेश हित में कदम उठाने का सपने को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं की जहां हम बात करते हैं, तो सबसे प्राथमिक चीज़ आज के दिन रोज़गार का है, और उसके अंदर अलग अलग प्रकार से, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, दोनों सेक्टरों को हम छूने का काम करेंगे। पहली चीज़, 75% कानून को पूरी तौर पर लागू प्रदेश में करवाएंगे। दूसरा, जो हमारे युवा साथी हैं जिनको बेरोजगारी भत्ता हमने 7,000 से बढ़ाकर 9,000 पिछले 4 सालों में कर दिखाया, उसका हमने सपना लिया है कि बेरोजगारी भत्ता प्रदेश के अंदर 11,000 रुपये प्रति माह हर बेरोजगार को देने का काम हमारा गठबंधन करेगा। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को नौकरियों की बात है, चौधरी देवीलाल जी ने एक मुहिम शुरू करी थी कि गांव के बच्चे को सुविधाओं में कमी रहती है, तो 5 अंक नौकरियों के अंदर अतिरिक्त दिए जाएंगे ग्रामीण बच्चों को, जिसके अंदर उनको भी रोजगार के अंदर बराबरी का एक अवसर मिले। जहां युवा साथी बारी बारी नौकरियों के एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते हैं, और उन एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये अलग अलग फीस लगाई जाती है, 1 टाइम 100 रुपये हम युवा साथी के लिए फीस रखेंगे, जो सरकार के पोर्टल पर एक बार भर सकता है, और वो इतनी बार भी एप्लीकेशन फॉर्म डिजिटली भरे, उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ उसके ऊपर नहीं रहेगा। अग्निवीर योजना जो देश में लागू हुई है, प्रदेश सरकार उसको बदल तो नहीं सकती, मगर उन युवा साथियों के लिए जो 4 साल देश सेवा में लगा कर आते हैं, 2 कदम हम उसके अंदर उठाएंगे। एक तो जिस तरीके से 10% पुलिस के अंदर आज रिजर्वेशन अनाउंस करी है, प्रत्येक विभाग में उन अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन लागू करी जाएगी कि वो डिसिप्लिन फोर्स से आए हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार उनको रोजगार हम सुरक्षित कर पाए। और उसके साथ सिपाही जो 5 साल सेवा करके देश की आएगा, ड्यूटी करके आएगा, उसको कैसे जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ एक मौका मिले आगे बढ़ने का, इसके लिए जितनी हायर एजुकेशन उनकी होगी, चाहे वो
कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, और कैसे हमारा सिपाही ऑफिसर बने भविष्य के अंदर, वो सारी सुविधाएं उनकी प्रदेश सरकार ग्रहण करने का काम करेगी। शिक्षा का सारा कॉस्ट प्रदेश सरकार चलाएगी। वही जो भर्ती प्रक्रिया है, इसके अंदर बारी बारी देखा जाता है कि अनशेड्यूल्ड एग्जामिनेशन प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। मगर मेरा पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस हो, चंद्रशेखर जी का अभी का पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस हो, यूपीएससी एक कैलेंडर और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक कैलेंडर लागू करता है, और उस कैलेंडर के तहत बच्चे को पता है कि बैंकिंग के एग्ज़ाम कब होंगे, रेलवेज के एग्ज़ाम कब होंगे, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम कब होंगे। हरियाणा प्रदेश में भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, दोनों का शेड्यूल्ड कैलेंडर हम लागू प्रदेश के अंदर करेंगे कि शेड्यूल के तहत प्रदेश के बच्चों को प्रदेश की नौकरियों का कब एग्जामिनेशन होगा उसका शेड्यूल जारी करें, और 3 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी सरकार बनते ही। जहाँ विदेशों में बच्चे शिक्षा लेने नौकरी करने जाते हैं, आज बहुत बड़ी दिक्कत है कि उनके लिए कहीं भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, और उस कोऑर्डिनेशन को बेहतर करा जाए इसके लिए हमारा संकल्प है कि जिला लेवल पर एक केंद्र फॉरेन कॉरपोरेशन विभाग का हम बनाएंगे, जिसके अंदर किसी तरह की भी इमरजेंसी रिस्पांस हो या टेक्निकल मदद हो, दोनों चीज़ें जिला लेवल पर, और सीनियर एचसीएस या आईएएस अधिकारी लेवल के एक अधिकारी को चिन्हित कर हम मदद करने का कार्य करेंगे। वहीं जो नए निवेश के अंदर युवा साथी काम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दुनिया भर में बन चुका और हिंदुस्तान उसमें प्राथमिक है, उन स्टार्टअप्स के लिए हमने स्टार्टअप पॉलिसी तो निर्धारित कर दी, मगर एक सीड फंड 20 लाख रुपया प्रति स्टार्टअप का हम युवाओं को देने का काम करेंगे, जिससे उनको आर्थिक सहायता के तौर पर नए रोजगार और नई इनोवेशन के लिए उनको सहयोग मिलने का काम होगा। उसके साथ हमारा ये संकल्प भी है कि महिलाओं को जैसे 50% हमने हिस्सेदारी देने का काम किया है, उसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में भी 1 लाख नौकरियां महिलाओं को प्राथमिकता के तौर पर दी जाएगी। और जिस तरीके से श्रीमती नैना चौटाला जी ने भी कल ये बात रखी है, हमारा भी संकल्प है टीचिंग सेक्टर के अंदर, आज हम बारी बारी वुमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं, टीचिंग सेक्टर के अंदर चाहे वो टीचर की पोस्ट हो, लेक्चरर की पोस्ट हो या प्रोफेसर की पोस्ट, जितनी पोस्ट सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज या आईटीआईज के अंदर है, उनके अंदर 50% टीचिंग पोस्ट हमारी हम बहनों के लिए आरक्षित करने का काम करेंगे कि वुमेन सिक्योरिटी प्राथमिक तौर पर रहे और महिलाओं को रोजगार के अवसर पूरी तौर पर मिले। अब मैं, क्योंकि कई और विषय है, ये आपको पीडीएफ के साथ हम शेयर भी कर देंगे, मैं किसानों के विषय पर जाना चाहता हूँ। खेतीबाड़ी हरियाणा की प्राथमिकता है, और 5 साल में कई कदम हमने उठाए, जैसे अल्टरनेटिव क्रॉप पर 7,000 रुपया प्रति एकड़ पैडी से दूसरी फसल पर जब किसान जाता है हम देने का काम करते हैं, तो इसके अंदर हरियाणा प्रदेश में पैदा होने वाली सभी फसलों पर हम MSP लागू करेंगे। जिस तरीके से 7,000 रुपया पहले क्रॉप कॉम्पनसेशन थी जब फसल खराब हो जाती थी, जो सरकार वहन करती थी, और जो फसल बीमा योजना में ना आने वाले किसान थे उसको हमने बढ़ाकर 15,000 और 12,500 रुपया खरीफ और रबी की फसलों पर करने का कार्य किया। अब हमारा संकल्प है कि फसल खराबे पर हम हरियाणा प्रदेश के किसानों को 25,000 रुपया प्रति एक एकड़ नॉन इंश्योरी, जो इंश्योर्ड फार्मर नहीं है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, 25,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर पर एक मजबूत कदम फसल सुरक्षा स्कीम के लिए हम करेंगे, जिसका नाम होगा जननायक फसल सुरक्षा स्कीम, जिसके अंदर जो बीमा का प्रीमियम है
लगभग 650 करोड़ रुपया हमारे किसानों से प्रदेश में प्रतिवर्ष लिया जाता है प्राइवेट कंपनियों को देने का, और प्राइवेट कंपनियां बारी बारी प्रतिबंध लगा देती है कि एक दिन का डिले हुआ, कुछ घंटों का डिले हुआ या कट नहीं पाई, और बहुत से हमारे किसान प्रताड़ित होते हैं जो प्रीमियम भरना भी चाहते हैं। उसके लिए जननायक फसल सुरक्षा स्कीम हम प्रदेश में लागू करेंगे, जिसके अंदर प्रीमियम की जो फार्मर की राशि है उसको स्टेट गवर्नमेंट वहन करने का कार्य करेगी। उसके साथ हमने देखा है कई बार बिजली लगने से, करंट लगने से, कई बार सांप के काटने से, अलग अलग कारणों से हमारे किसानों की खेतीबाड़ी करते वक्त निधन हो जाता है। उसके लिए प्रदेश के अंदर जो उनके परिवार को इस आर्थिक दिक्कत के अंदर मदद मिले, 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की हम स्कीम लागू करेंगे। वही हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी खेतीबाड़ी में आ रही है, जैसे ड्रोन्स एक बहुत बड़ा कदम है जो आने वाले दिनों में जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी यूरिया में आई, डीएपी में आई और फर्स्ट क्रॉप्स की चीज़ों में भी आएगी। इस तरह की आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए 80% अनुदान हम लेकर आएंगे। वहीं किसान के लिए प्राथमिक चीज़ है उसके खेत तक पानी पहुँचे। माइनर मेजर तो रिपेयर हो जाती है मगर खाड़ रिपेयर नहीं करे जाते, और बहुत लंबी काडा मीकाडा के अंदर लाइनें लगी रहती है कि सुनवाई नहीं होती कि उनके खाड़ों पर काम। हमने ये फैसला लिया है कि प्रत्येक खाड़ को प्रदेश में जो रंग के हैं उनको पक्का किया जाएगा, और पक्के के साथ साथ जो कांग्रेस रजीम में 20 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया था कि एक खाड़ बढ़ने के बाद 20 वर्षों तक सरकार उसमें ना रिपेयरिंग का काम करेगी ना रीमॉडलिंग का काम करेगी, इसको बदल कर तुरंत 2 चीज़ें हम इसमें कदम उठाएंगे। पहली, अगर किसी का खाड़ किसी कारण टूट जाता है तो 10 वर्ष के बाद उसको रिपेयर करने के लिए सरकार अनुदान देगी, और अगर पूरी तौर पर रीमॉडल करना पड़ता है तो 20 वर्ष के प्रतिबंध को कम कर 15 वर्ष करने का काम किया जाएगा। कई जगह कोविड के बाद हमने नए एक्सपेरिमेंट्स करे थे जिसके अंदर परचेज सेंटर 200-250 से बढ़ाकर 1800 करे, और आज के दिन वो परचेज सेंटरों की मात्रा जो है वो हरियाणा प्रदेश में 400 के लगभग है। मगर बहुत से ऐसे सब यार्ड और मंडियां हैं जिनके अंदर अभी तक शेड का निर्माण नहीं होता, तो हमारा संकल्प है सभी अनाज मंडियों में और खरीद केंद्रों पर शेड की व्यवस्था होगी कि बेमौसम बारिश के कारण किसी भी किसान की फसल खराब ना हो। आज के दिन मशरूम की खेती पर बिजली के अंदर 2 रुपये यूनिट की सब्सिडी दी जाती है, मगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में पॉली हाउसेज के अंदर भी हाइड्रोफोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है, और नए एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जहाँ कोल्ड हाउसेज और पैक हाउसेज लग रहे हैं। हमारे हैचरीज हैं, हरियाणा बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग भी करता है, फिशरीज है, इन सब के लिए 2 रुपये अनुदान का प्रावधान हम करेंगे, और फल और सब्जियों की खेती के लिए और उनकी स्टोरेज के लिए भी विशेष सब्सिडी की योजना हम लाने का काम करेंगे। एक विषय जो गांव में घूमते हुए आया कि आज हम गाड़ी लेते हैं तो कोलेट्रल जो हम साथ में जमा कराते हैं वो गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल लेते हैं तो कोलेट्रल मोटरसाइकिल होता है, पर एक मार किसान पर है, और वो मान है कि जब वो ट्रैक्टर लेता है 5 से 10 लाख के बीच में आज के दिन एवरेज ट्रैक्टर की वैल्यू, और 5 से 10 लाख के ट्रैक्टर के बदले में उसको 2 एकड़ ज़मीन गहन करनी पड़ती है उस कंपनी को जिससे उसको पैसा मिल रहा है। प्रदेश के अंदर हमारे किसानों के लिए उस शर्त को जो 2 एकड़ ज़मीन गहन करने की है कोलेट्रल के तौर पर, उसको पूरी तौर पर समाप्त करने का कार्य करेंगे। उसके साथ जो हमारे खेती के ट्यूबवेल का कनेक्शन है हरियाणा प्रदेश के अंदर 2018 के 23 में जाकर कनेक्शन मिले, इसकी भी समय सीमा बनाने का काम करेंगे कि किसान को ट्यूबवेल की अवधि जो है वो सीमित समय में मिलने का काम करें। उसी तरीके से
किसान के खेत के ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, और बहुत बार देखा गया है कि किसान पीड़ित होकर दर दर की ठोकरें खाता है मगर सुनवाई नहीं होती। इसका ऑनलाइन मैकेनिज्म हम बनाने का काम करेंगे, और उस ऑनलाइन मैकेनिज्म के माध्यम से किसान को सीमित समय के अंदर या तो उस ट्रांसफार्मर को रिपेयर किया जाए, नहीं होता तो उसकी रिप्लेसमेंट इमिडिएटली का प्रोविज़न हम बनाने का काम करेंगे। वहीं जो आवारा पशुओं की समस्या है, कई कदम हमने उठाए, जैसे पिछले साल एक्साइज के अंदर 400 करोड़ रुपया सेस के माध्यम से हमने एकत्रित किया कि पशुधन को सहारा मिल जाए। इसी प्रकार से हर ज़िले के अंदर बाड़े बनाए जाएंगे, जिससे ये जो सड़क पर आज एक्सीडेंट का भी कारण बनते हैं और कई कैजुअल्टी पशुधन की भी निरंतर होती है, वो कम हो, और प्रदेश के अंदर इस तरीके से आवारा पशुओं का जो नुकसान फसलों को किसानों की पहुंचता है वो समाप्त होने का काम करें। और जितने प्रदेश के दुधारू पशु हैं उसको हम इंश्योर कराने का काम गवर्नमेंट की ओर से करेंगे, जिससे किसान को एक लाभ मिले कि उसके पशुओं को हम कहीं ना कहीं इंश्योर करके उसको एक सिक्योरिटी पैरेलली दिलवाने का काम। अब मैं मातृशक्ति पे दोबारा आना चाहूँगा। एक सपना दोनों दलों का है कि हमारी माताएं जो गर्भपात में होती हैं उनको आर्थिक मदद हम कैसे दें। इसके लिए श्रीमती नैना चौटाला जी के वादे अनुसार प्रदेश में प्यारी बेबे योजना लागू करेंगे, जिसमें गर्भवती महिलाओं को प्रतिमाह 5,000 रुपये की सहायता गर्भपात के दौरान हो, जिससे बच्चे के पालन पोषण के लिए उसके ऊपर कोई आर्थिक मंदी और दबाव ना आए। वहीं जितनी हमारी बहनें गवर्नमेंट जॉब पर ग्रुप सी और डी के अंदर है उनको गृह जिले में, और अगर गृह जिले में पोस्ट उपलब्ध नहीं है तो 60 किलोमीटर के रेडियस के अंदर पोस्टिंग दी जाएगी कि वो अपने घर को भी संभाल ले और गृहिणी होने के नाते वो नौकरी से भी वंचित ना रहे। वहीं कौशल रोजगार निगम के अंदर देखा गया है कि महिलाओं की संख्या आज सीमित है, और कौशल रोजगार निगम के अंदर भी जैसे हमने डिपो में 33% हिस्सेदारी दी है, महिलाओं को 33% हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। और उसी प्रकार से जितने कोऑपरेटिव सेक्टर के हमारे और उद्योग हैं या रोजगार हैं, जैसे वीटा के बूथ हो, हरित स्टोर हो, और जो कदम है इसके अंदर भी 33% महिलाओं के लिए आरक्षण लागू का हम करने का काम करेंगे। वही स्वरोजगार के लिए महिलाओं को आर्थिक मदद मिले नई स्कीम की शुरुआत करेंगे, 1 महिला 1 लाख 1% स्कीम, जिसके अंदर ऋण मुक्त महिला को 1 लाख रुपए की मदद मिले कि वो अपने घर से रोजगार के अवसर शुरू कर पाए, चाहे वो कोई पशुपालन का काम हो, चाहे वो पोल्ट्री का काम हो। गांव लेवल पर भी महिलाओं को आर्थिक मदद इसके अंदर मिले। विधवा एवं अकेली जो माँ है उनके बच्चों को पढ़ाने का आर्थिक बोझ बहुत बड़ा होता है, और वो नौकरी कई बार नहीं कर पाती क्योंकि घर का जिम्मेवारी उसके कंधों पर ज़्यादा पड़ती है। उनके बच्चों की हायर एजुकेशन तक की पूरी खर्च जो है वो सरकार ग्रहण करेगी, ऐसी स्कीम हम प्रदेश में लाने का काम करेंगे। और गरीब परिवारों का मुझे खुशी है कि हमने कदम उठाया था हरियाणा लेबर वेलफेयर कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड में, जहाँ 1% सेस इकट्ठा होता था और प्रदेश सरकार पे लगभग 3800 करोड़ रुपया पड़ा था, उसके अंदर हमने स्कीम शुरू करी थी कि बेटियाँ जो 12वीं पास होंगी उनको स्कूटी दी जाएगी। उसको BPL के अंदर भी प्रदेश में हम लागू करेंगे कि कोई भी गरीब बच्चा किसी वर्ग का आता अगर वो 12वीं छात्रा पास करती है तो उसको स्कूटी का हम सहारा देने का काम करें। अब मैं समाज कल्याण पे आना चाहूँगा, जो प्रदेश की एक रीढ़ की हड्डी है।
बहुत बड़ा वर्ग प्रदेश का है, आशा आंगनवाड़ी वर्कर और मिड डे मील वर्कर। ये तीन ऐसी स्कीम केंद्र सरकार की चल रही है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर काम करती हैं। आज बारी बारी हम धरने देखते हैं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर है और हमसे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। इसके लिए हमने ये फैसला लिया है गठबंधन के तौर पर कि आशा आंगनबाड़ी और मिड डे मील वर्क, इनको जो हमारा आज बेसिक पे 21,000 का है उसके बराबर प्रति माह मिले, इसको इंश्योर करने का उनका मानदेय 21,000 रुपये प्रति माह हो, इसका हम वादा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बुढ़ापा पेंशन हरियाणा प्रदेश के लिए, हमारा वादा पिछली बार भी रहा था और हरियाणा प्रदेश देश में अव्वल रहा है जिसके अंदर हमने बुढ़ापा पेंशन को 3,000 रुपये चार सालों में 250 रुपये कर पहुँचाया। आज किसी भी राज्य में 1500 से ऊपर बुढ़ापा पेंशन नहीं है, दिल्ली दूसरे नंबर पर है और मध्य प्रदेश आज 1,000 रुपये देता है, घोषणा 1500 की है। हमारा राजस्थान जो हमसे लगा हुआ है 700 रुपये देता है, उनकी घोषणा शायद 1,000 या 1,200 की। उसको गवर्नमेंट बनते ही 24 घंटे के अंदर 5100 रुपये हम पहुँचाने का काम करेंगे। ग्राम पंचायत के अंदर आज सरपंचों को, जिला परिषद ब्लॉक समिति के मेंबरों को आज मेंबर बनने के बाद एक तरह का ऑनरेरियम कह दीजिए दी जाती है, पेंशन कह दीजिए दी जाती है, मगर ग्राम पंचायत का जो मेंबर होता है उसको किसी तरह के मेंबर बनने के बाद पेंशन नहीं दी जाती। इसके लिए 1100 रुपये प्रति महीना हर मेंबर को जो हरियाणा प्रदेश में पूर्व मेंबर है उसकी शुरुआत करी जाएगी। सिख धर्म के हमारे जितने गुरु उनके हर वर्ष गुरुपर्व जितने हों उनके लिए विशेष आयोजन हम प्रदेश में लागू कराएंगे। श्रद्धालुओं के लिए ननकाना साहब जी जो पाकिस्तान में है, दो बार यात्रा होती है, उसके लिए विशेष प्रदेश के अंदर हम शुरुआत करेंगे स्कीम के तहत कि हमारे प्रदेश के श्रद्धालु भी भारी मात्रा में वहाँ जाकर अपने गुरुओं को नमन कर पाए। प्रदेश के अंदर हर जिले में अंबेडकर भवन और अंबेडकर छात्रावास का निर्माण किया जाएगा जिसके तहत जो गांव से गरीब बच्चा शहर में पढ़ाई करने कॉलेज की या ट्रेनिंग करने जाता है उस पर आर्थिक बोझ पीजी का और का रहता है, उस बोझ का उसके माता पिता पर बर्डन ना पड़े इसलिए प्रत्येक जिले के अंदर निर्माण अंबेडकर भवन और अंबेडकर छात्रावास के होंगे। और सिंगल विंडो प्रणाली के तहत जितनी सरकारी योजना है उन भवनों से भी हम आगे लेकर चलेंगे। कौशल रोजगार निगम के अंदर आज SC BC साथियों के लिए आज रिजर्वेशन नहीं, उसको हम पूरी तौर पर लागू करेंगे और हर सब डिवीजन लेवल पर अंबेडकर छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। जितने हमारे BPL परिवार हैं आज उनके पास कई जगह बच्चे दो हो जाते हैं, मकान एक रहता है, व्यवस्था नहीं बढ़ पाती, तो एक विशेष स्कीम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर हम शुरू करेंगे जिसके तहत शहर में और गांव में 100-100 गज के प्लॉट और 100 गज के प्लॉट के साथ निर्माण के लिए आर्थिक मदद हमारे SC वर्ग के लोगों को मिले उसके लिए स्कीम प्रदेश में लागू करेंगे, SC BC साथियों को मिले। इसके साथ कुम्हार समाज को एक जो ये माटी के काम करते हैं माटी कला बोर्ड बनाया गया है, मगर माटी कला बोर्ड के तहत आज उनको मिट्टी नहीं मिलती, तो हमारे गांव में पंजवा की ज़मीनें हैं, वो पंजवा की ज़मीनें जैसे वक्फ बोर्ड के अंदर जमीन बोर्ड के अधीन है, जितनी पंजवा की ज़मीनें हैं उनको माटी कला बोर्ड के तहत सौंपी जाएगी जिससे जो हमारा कल्चर है उसको हम अपलिफ्ट कर पाए। उसके साथ जिन जिन गांव में आज SC चौपाले नहीं है वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए OPS स्कीम को दोबारा प्रदेश के अंदर हम लागू करने का काम करें। सभी कर्मचारी
चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों ना हो, उनको कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदेश के अंदर मिले, इसके लिए विशेष योजना की शुरुआत करी जाएगी। और जो एक्सक्रेशिया पे आज प्रतिबंध 52 साल का है, जब तक चाहे 58 हो चाहे 60 हो, जब तक कर्मचारी नौकरी में है और अगर उसका निधन हो जाता है तो एक्सक्रेशिया स्कीम उसके लिए लागू करी जाएगी। ड्यूटी के समय वीरगति प्राप्त करने वाले अर्धसैनिक बलों को, जो हमारा सैनिक अर्धसैनिक बोर्ड है उसके तहत सेना के जवानों के बराबर शहीद का दर्जा देने का काम किया जाएगा। और प्रदेश की तरफ से हमारे शासन आने के बाद केंद्र सरकार को हम रिकमेंडेशन देकर भेजेंगे कि जल्द 8वें वेतन आयोग की गठन किया जाए, जिसके तहत कर्मचारियों का भला हो। और एक जो छोटे दुकानदार है, छोटे दुकानदार को आज के दिन आर्थिक तौर पर एक सीमित मदद मिलती है, और कई बार इंसिडेंट देखे गए हैं कि शॉर्ट सर्किट के कारण हो या कोई और कारण हो, उनकी छोटी दुकान में और जगह दुर्घटना के तहत नुकसान हो जाता है। उसके लिए विशेष इंश्योरेंस स्कीम प्रदेश में हम लागू करेंगे, जिसके तहत हमारे दुकानदार साथियों को भी आर्थिक तौर पर नुकसान के लिए भरपाई जो है वो इंश्योरेंस स्कीम के तहत हम करा पाए। कई ऐसे विषय भी हैं जो मैं टच नहीं कर पाया हूँ, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण है। डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण प्रदेश के अंदर आज 1250 गांव में हम करा पाए हैं या अभी निर्माणाधीन है। उसको बढ़ाकर सभी 6800 गांव के, पंचायत नहीं 6300 पंचायतें हैं, 6800 गांव, 6800 के 6800 गांव के अंदर हम प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। जो हमारे सिटिंग सरपंच, पंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के मेंबर है, इनके लिए सरपंचों के लिए 8000 रुपये प्रतिमा, पंच के लिए 3000 रुपये प्रतिमा, पंचायत समिति के सदस्य जिनको ब्लॉक समिति के सदस्य कहते हैं 5000 रुपये प्रतिमा, और जिला परिषद के मेंबरों को 10000 रुपया प्रतिमा दिया जाएगा ऑनरेरियम के तौर पर, जिसके तहत उनके जो दिन भर के कार्य रहते हैं, खर्चे रहते हैं, उनमें उनकी आर्थिक मदद हो। प्रदेश के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड तो बन गया, मगर उसको आने वाले समय में व्यापारी कल्याण आयोग का दर्जा हम देने का काम करेंगे, जिसके अंदर अधिकार उनके बढ़े। उसके तहत कई ऐसे कदम है, जैसे आज के दिन दोनों किडनी फेल हो जाती है और परिवार पे रेगुलर डायलिसिस का एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बनता है। उन पेशेंट्स को भी जो हमारी वृद्धावस्था पेंशन है उसके बराबर पेंशन देने का काम करेंगे। राइट टू हेल्थ का दर्जा प्रत्येक नागरिक को हम दिलवाने का काम करेंगे। गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित लोग हैं, जैसे पीछे हम कामयाब रहे कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट को पेंशन देने में, जो दवाइयां हैं उनको पहुंचाने के लिए, मगर गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी आर्थिक सहायता देने का काम करेंगे। और एक प्रदेश के सभी छोटे दुकानदार, रेडी फड़ी वाले और साप्ताहिक बाजार लगाने वाले लोगों को भी मुफ्त दुर्घटना बीमा योजना के तहत कवर करने का कार्य हमारी सरकार करेगी। और जितने कौशल रोजगार के तहत कर्मचारी आज लगे हुए हैं, उनके लिए विशेष कानून लाया जाएगा, जिसके तहत उनको जॉब सिक्योरिटी हम देने में कामयाब रहें। शहरों में जितने हमारे खाली प्लॉट हैं, उन प्लॉटों के ऊपर आज के दिन प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, और खाली पड़े प्लॉट का भी एक आम नागरिक को, जहाँ वो निवास या कोई उद्योग नहीं करता, बर्डन वहन करने का काम करता है, उसके लिए उसको प्रॉपर्टी टैक्स में पूरी तौर पर छूट देने का काम हम लोग आने वाले समय में करेंगे। अब मैं जिला दर जिला, अगर मुख्य जो हमने प्लान बनाया है, पंचकुला में AI आर्टिफिशियल रिसर्च इंटेलिजेंस जो है वो बहुत बड़ा आज के दिन विषय है, उसका एक स्पेशल सेंटर पंचकुला में बनाएगा। फतेहबाद के अंदर फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर लगभग एक ऐसा इश्यू बन चुका है जिसको
प्राथमिकता के साथ आज बढ़ाया जाए। उसके बाद सिरसा के अंदर जो हमारे वैकल्पिक कृषि और फिशरीज़ का एक सहायता केंद्र हम बनाएंगे। हिसार के अंदर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। भिवानी में एजुकेशनल सिटी, क्योंकि एजुकेशन बोर्ड भिवानी के अंदर है, उसका निर्माण किया जाएगा। झज्जर के अंदर इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। गुड़गांव के अंदर जो हमारे वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए बड़ी मात्रा में हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। कबड्डी का एक सेंटर रहा है और प्रो कबड्डी ने दिखाया है कि सोनीपत की ज़मीन से बड़ी मात्रा में कबड्डी प्लेयर जा रहे हैं, तो कबड्डी का एक बड़ा परिसर सोनीपत में निर्माण किया जाएगा। जींद के अंदर केंद्र सरकार की सिफारिश करकर हरियाणा का पहला IIT का निर्माण किया जाएगा। और यमुनानगर के अंदर जो बाढ़ नियंत्रण और ये इमरजेंसी सर्विसेज है फ्लड एंड डिजास्टर का, इसका एक बहुत बड़ा एक्सेलेंस सेंटर हम निर्माण करेंगे। जिस प्रकार से हमने पिछले सालों के अंदर जींद में एक बड़ा फायर कॉलेज, जिसके निर्माण सिर्फ देश में एक ही जगह है नागपुर के अंदर, जो फायर सेफ्टी कॉलेज है, उसका निर्माण किया जाएगा। मैं चाहूँगा चंद्रशेखर जी भी कोई और विषय मेरे से अछूता रह गया उसको छूने का काम करें, मगर हमने एक विजन बनाया है जिसमें 36 बिरादरी हो और 36 बिरादरी के साथ साथ युवा से लेकर बुजुर्ग प्रत्येक वर्ग को, महिला हो पुरुष हो, हमने छूने का काम किया और सभी वर्गों को साथ लेकर जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का ये गठबंधन इस जनसेवा पत्र को हरियाणा की जनता के लिए समर्पित किया। वैसे तो मोटी मोटी सभी जो चर्चा करके विषय हम लोगों ने बनाए हैं वो हुसैन जी ने आपके सामने रख दिए। 3-4 इम्पोर्टेंट हैं जो इन्होंने ही जिनका जिस पर ज़्यादा जोर था कि सभी निजी स्कूलों में फीस की सीमा तय होगी, ट्रैक्टर की तर्ज पर 2-व्हीलर की खरीद में भी टैक्स उसका फ्री किया जाएगा और प्रत्येक ज़िले में औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग स्थापित करेंगे जिससे कि वहाँ के युवाओं को हर ज़िले में 1,00,000 नौकरियों की व्यवस्था हो सके और युवा नेतृत्व के प्रोत्साहन के को ध्यान में रखते प्रत्येक वर्ष छात्र संघ चुनाव जो है कराए जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय थे, सारे विषय रख दिए गए, बाकी PDF में हैं। मीडिया के साथियों का धन्यवाद। जननायक जनता पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग ग्रामीण स्तरों पर निकलकर उनके संगठन के लोग मेहनत कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इस बार पुनः आज़ाद समाज पार्टी JJP गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हरियाणा की राजनीति में अदा करेगा। अभी जो कुछ चल रहा है वो तैयारियां थी, आज से और तैयारियां मजबूत होंगी और आने वाले 2-3 दिनों में आपको इन तैयारियों का असर वोट के रूप में तब्दील होते हुए दिखाई दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। मीडिया के साथियों के लिए भी मीडिया सुरक्षा जो है वो इम्पोर्टेंट है और मीडिया के साथियों के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जब वो इस कार्य से फ्री हो जाते तो उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था हम लोग करेंगे जिससे मीडिया के साथी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें, वो भी हमारी तरह संघर्ष करके हमारे विषयों को जनता के सामने रखते हैं, उनका काम भी सराहनीय है। और मैक्सिमम हमारा प्रयास युवाओं पर रहेगा कि युवा अपने आप को अकेला महसूस ना करें और उसको उसका मनोबल ना गिरे, वो अपने जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके रोजगार की जल्दी जल्दी व्यवस्था हो, इस पर हमारा फोकस रहेगा। धन्यवाद। एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ जो हम रहेगी, हमने कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड से एक स्कीम शुरू करी थी जिसमें रजिस्टर्ड लेबरर्स के बच्चों को UPSC स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। शायद आप लोगों में से भी किसी को नहीं पता कि एक गरीब रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड के वर्कर के बच्चे को 1,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। उस स्कीम को हम सभी BPL परिवारों के लिए भी लागू करेंगे कि गरीब का बच्चा भी शहरों में जाकर माँ बाप पे आर्थिक बर्डन ना डालता हुआ अपनी हायर एग्जामिनेशन की तैयारी करे। और मुझे खुशी है चंद्रशेखर जी ने मीडिया के साथियों की बात करी, ये सभी मीडिया के साथी भी जानते हैं अगर 10,000 रुपये की पेंशन को 11,000 रुपया करने का वादा BJP लेकर आई तो मैंने अड़के उसको 10,000 से सीधा 15,000 रुपया करवाया। और देश में इकलौता प्रदेश हरियाणा है जिसमें इतनी बड़ी वैल्यू के साथ
हमारे जो रजिस्टर्ड इम्पैनल्ड पत्रकार हैं उनको आर्थिक मदद दी जाती है, मगर इसके साथ साथ क्योंकि आप लोगों की मूवमेंट बहुत एक्सटेंसिव रहती है, आप पूरा दिन फील्ड के अंदर कवर करते, जितने हमारे रजिस्टर्ड साथी हैं पत्रकार उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम हमने लिखी हुई है, अगर मैं भूल नहीं भूल गया, इंश्योरेंस स्कीम हम लेकर आएंगे कि अगर आपकी दौरान आप कवरेज कर रहे हैं या अपने पत्रकारिता के कार्य पर निकले हैं कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए प्रदेश की तरफ से एक योजना हम लागू करेंगे। एक निवेदन मैं सभी साथियों से कर लूँ, क्योंकि हमने फरीदाबाद 11:30 पहुँचना था, 11:15 हो चुके, तो PDF वर्जन आप सबको हम सर्कुलेट कर देंगे और PDF के माध्यम से विवरण भी एक एक स्कीम का आपको आज ही उपलब्ध हो जाएगा। आप सभी आए, आपने हमारा साथ भी दिया, आप लोग लोकतंत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जो हमारी बात को प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का आज काम कर रहे हो, मैं आप सबका धन्यवाद। तो मोटी मोटी सभी जो चर्चा करके विषय हम लोगों ने बनाए हैं वो हुसैन जी ने आपके सामने रख दिए, 3-4 इम्पोर्टेंट हैं जो इन्होंने ही जिनका जिस पर ज़्यादा जोर था कि सभी निजी स्कूलों में फीस की सीमा तय होगी, ट्रैक्टर की तर्ज पर 2-व्हीलर की खरीद में भी टैक्स उसका फ्री किया जाएगा और प्रत्येक ज़िले में औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग स्थापित करेंगे जिससे कि वहाँ के युवाओं को हर ज़िले में 1,00,000 नौकरियों की व्यवस्था हो सके और युवा नेतृत्व के प्रोत्साहन के को ध्यान में रखते प्रत्येक वर्ष छात्र संघ चुनाव जो है कराए जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय थे, सारे विषय रख दिए गए, बाकी PDF में हैं। मीडिया के साथियों का धन्यवाद, जननायक जनता पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग ग्रामीण स्तरों पर निकलकर उनके संगठन के लोग मेहनत कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इस बार पुनः आज़ाद समाज पार्टी JJP गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हरियाणा की राजनीति में अदा करेगा। अभी जो कुछ चल रहा है वो तैयारियां थी, आज से और तैयारियां मजबूत होंगी और आने वाले 2-3 दिनों में आपको इन तैयारियों का असर वोट के रूप में तब्दील होते भी दिखाई दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मीडिया के साथियों के लिए भी मीडिया सुरक्षा जो है वो इम्पोर्टेंट है और मीडिया के साथियों के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जब वो इस कार्य से फ्री हो जाते तो उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था हम लोग करेंगे जिससे मीडिया के साथी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें, वो भी हमारी तरह संघर्ष करके हमारे विषयों को जनता के सामने रखते हैं, उनका काम भी सराहनीय है।